जय श्री माता जी। 2022-23 यह वर्ष विश्व वंदिता निर्मला माता यानी परम पावनी निर्मला माता इनका जन्म शताब्दी वर्ष है। परम पूज्य श्री माता जी ने अपने संपूर्ण जीवन में सहजयोग ध्यान, भारतीय संस्कृति, भारतीय कलाएं, भारतीय वेशभूषा और हमारे अध्यात्म से जुड़े सभी देवी देवता, सारे धर्मों के गुणों का प्रसार पूरे विश्व में किया। आइए ऐसी महान नागपुर की सुपुत्री श्री माता जी के बारे में जानते हैं। परम पूज्य श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 में ठीक 12 बजे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में हुआ। उस वक्त पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा हुआ था। देश के कई युवा महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे और देश स्वतंत्र करने के आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें उनके आश्रम में रहने वाली एक युवा लड़की भी थी, जो आज हमारे देश की दिव्य महिला श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में जानी जाती है। 1947 से 1970 तक निर्मला जी साहसपूर्वक पूर्वाग्रह के खिलाफ खड़ी रही, जरूरतमंदों को सुरक्षा प्रदान की। अपने पति यानी सर सीपी श्रीवास्तव, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके करियर में सहारा दिया। अपने परिवार का पोषण किया, रोजमर्रा के घरेलू कर्तव्यों को पूरा किया, दो बेटियों की परवरिश की और धर्मार्थ कार्यों में भी जुड़ी। एक माँ, पत्नी, बहन और दादी के रूप में आने वाली सारी जिम्मेदारियां पूरे दिल से निभाने के बाद उन्होंने 5 मई 1970 को सामूहिक आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा सहजयोग ध्यान की शुरुआत की। श्री माता जी ने 1980 के दशक में लगातार पूरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका का दौरा किया। इस पद्धति को सभी इच्छुक लोगों को निःशुल्क सिखाया। 1990 के दशक में उनकी यात्रा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में फैली। उन्होंने साधकों को व्याख्यान देने के अलावा टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र जैसे अन्य मीडिया चैनल द्वारा भी अपने आध्यात्मिक विचारों का प्रचार किया। आज सहजयोग के केंद्र 100 से भी अधिक देशों में प्रस्तापित है। करुणामयी श्री माता जी निर्मला देवी जी ने अपना संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया और ऐसी महान पुत्री उसी घर में अवतरित हो सकती है जिनके माता पिता स्वयं में महान थे, स्वयंभू व्यक्तित्व के अधिकारी थे और वह उनके आदरणीय पिताश्री, सभी सहजियों के नाना जी श्रीमान प्रसादराव केशवराव सालवे जी। सालवे जी का जन्म 15 जुलाई 1883 में उज्जैन में हुआ। वे घर के सबसे छोटे सदस्य थे और एक उत्कृष्ट विद्यार्थी थे, जिन्हें अपने शैक्षणिक जीवन में अनेक स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। बचपन से ही वे एक होनहार छात्र थे। आगे जाके उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और छिंदवाड़ा शहर के एक प्रसिद्ध लॉ फर्म में काम शुरू किया। श्री प्रसादराव जी की शादी श्रीमती कॉर्नेलिया करुणा जाधव से 1920 में हुई। श्रीमती कॉर्नेलिया भारत में ऐसी पहली महिला व्यक्ति थी जिनको मैथमेटिक्स में ऑनर्स डिग्री प्राप्त हुई थी। वह संस्कृत की विशेष तज्ञ थी और पौराणिक भारतीय संस्कृति में विशेष रुचि रखती थी। यह दोनों भारत को आजाद देखना चाहते थे, इसीलिए दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1927 में छिंदवाड़ा में रहने के बाद गांधी जी के कहने पर वे नागपुर में आए और राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए। सन 1930 नागपुर स्थित चिटनेस पार्क में कांग्रेस की भव्य सभा सालवे साहब संबोधित करने वाले थे, किंतु आकस्मिक बैठक के कारण उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। जब सदस्यों ने पूछा कि आप नहीं तो कौन भाषण देगा, तब नाना जी ने कहा, मेरे जगह मेरी बेटी भाषण देगी। और श्री माता जी ने केवल 7 साल की उम्र में 15 से 20 मिनट तक काफी प्रभावी भाषण दिया। 1937 में वे नागपुर के पहले मेयर बने। उनका स्वभाव शांत और दयालु था। वे गरीब लोगों की बहुत सहायता करते थे और आध्यात्मिक विषयों में रुचि भी रखते थे। सन 1939 में नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सालवे साहब त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे और उनके साथ मंच पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी जी भी उपस्थित थे। 1939 और 1940 के दौरान नाना जी सरकारी वकील के रूप में कार्यरत हुए, परंतु जब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया, तब नाना जी ने गांधी जी के अच्छे अनुयायी के रूप में सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दिया। नाना जी की मूर्ति यहाँ माउंट रोड पे स्थापित की गई है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन नागपुर के सारे सहयोगी यहाँ एकत्रित आके अपनी आदरांजलि देते हैं। इस महान आत्मा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे महान पिता के घर में अवतरित होने के बाद यह बिल्कुल निश्चित है और आम मनुष्य की भी इच्छा होती है कि हमारे माता पिता के नाम से इस विश्व में कुछ तो ऐसी चीज हो जो निरंतर उनके गुणों का प्रचार करे। आदरणीय पीके सालवे जी संगीत के बड़े शौकीन थे और भारतीय संस्कृति की आधारभूत धरोहर है भारतीय संगीत और कलाएं। भारत की संस्कृति और इसी के प्रचार हेतु नागपुर में जिस जगह पर हम बैठे हैं, यहाँ पर श्री पीके सालवे कला अकादमी की स्थापना श्री माता जी ने 1996 में की। इस अकादमी में पिछले कुछ वर्ष से मानवीय कारणों की वजह से संगीत और कला प्रसार का कार्य स्थगित था। इस दिवाली पूजा के माध्यम से पुनः एक बार श्री माता जी का सपना साकार करने हम पीके सालवे अकादमी का लोकार्पण कर रहे हैं। ऐसे महान पिता और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी स्वर्गीय पीके सालवे जी, इनके बारे में उनकी ही सुपुत्री हमारी परम पावनी श्री माता जी निर्मला देवी जी इन्होंने क्या कहा था, यह जानते हैं खुद उनके द्वारा। Father was a brilliant man. He was leader of the people who were fighting the British. Very learned man. He went to jail many a times. Last time when he went after 1942 movement, it was for 3 years regularly he was in jail. But there was one fellow who was a friend of my father. He came and told my mother that you must apologize because we don't want your husband to be in jail. He has so many children and this and that. My mother said, I can't do that. His will, he wants to go to jail. He has to go. Like that, you see, we have glimpses of very ideal type of people during that time. They didn't think of money, their properties, nothing. So sacrifice was immense. Nowadays we can't even think of such a thing.
But I did feel that the English should leave our country. They have no right to be there. So I did feel that somebody has to tell them that this is wrong. So I had a great sense of right and wrong. But I didn't know it was spirituality. It was an innate quality in me. But most of the people in those days were like that in India, because the urge for freedom was so great, and that people were fighting for freedom. So they could not think of all those things. Once I had to speak when I was 7 years of age for Mahatma Gandhi's fasting, and I spoke to thousands of people. I was a little girl, and I told them how we should forget about caste system and how we should marry each other. I was such a little girl as 7 years. ऐसे महान पीके सालवे जी को हमारे नाना जी को अभिवादन करते हुए उनके अर्धाकृति पुतले का अनावरण करते हैं।